सुना है इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। हाँ? सुना है इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। दादू एक आदमी आया है कि तब बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। राजा सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। जाइए जाइए अंदर जाइए। बबू चाचा, बड़ी माँ, छोटी माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। कौन आया? बावर्ची, खाना पकाने वाला। सुनते हो, बावर्ची आया है, खाना पकाने वाला है, चलो जल्दी। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद चला। जमानत दे सकते हो किसी की? जमानत? दादू जी जमानत तो मुजरिम देते हैं थाने में। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं मेरा। पहले कहाँ काम करते थे? डॉक्टर बीसी रॉय। क्या डॉक्टर बीसी रॉय? जी हाँ, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। वो तो गुजर गए। जी जी हाँ। तो फिर कहाँ काम किया? नायक साहब। क्या नायक साहब? कौन नायक साहब? श्री वीपी नायक। कौन वीपी नायक? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। या वहाँ भी खाना बनाता था, यहाँ भी खाना बनाऊंगा। वही अनाज सब्जी तरकारी, खाने वाले बदल जाए लेकिन आलू तो आलू ही रहेगा, है ना दादू जी? कटेगा भुनेगा तो आलू, इसे मैं खाऊं या भालू। काफी रसिक मालूम होते हो। अच्छा ये तो बताओ क्या क्या पकाना जानते हो? सब कुछ। इंडियन में खिचड़ी पुलाव बिरयानी, चाइनीज में चाओ चाओ, मटन पाव पाव, कॉन्टिनेंटल में बस 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 बस। ये सब विलायती खाना हमें पसंद नहीं, हमें तो सीधा साधा हिंदुस्तानी खाना अच्छा लगता है। वो तो सच है बड़ी माँ, आदमी पहने जग भाता, खाए मन भाता। हिंदुस्तानी खाने का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं कम से कम 300-400 किस्म की चटनियां बना सकता हूँ। आज खाइए, साल भर के बाद उसकी बारी आएगी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस घर में टिकोगे कितने दिन? ए बाबूजी, है कोई आस पड़ोस में जो तुम्हें जानता हो? मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ सबको। आप रामनाथ जी रूपम उत्तम कंपनी में हेड क्लर्क है। आप विश्वनाथ म्यूजिक डायरेक्टर रजनीकांत न्यारेलाल के असिस्टेंट। आप काशीनाथ राम रतन स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं। आप तो महान ज्ञानी पंडित हैं। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा की पूजा सिर्फ उसके देश में होती है और विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। बावर्ची का काम करते हो, इतनी संस्कृत कहाँ से सीखे? जी महापुरुष महापंडित राहुल शंकरितायन के यहाँ कुछ दिन नौकरी करने का मौका मिला, उन्हीं के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं फेंक तो नहीं रहे हो ना? दीदी तनखा की बात करो, 40 से शुरू करना। 40? नहीं 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 नहीं, 40 में कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगाई के जमाने में आप 30 दे दीजिए। हाँ, मैं सब समझता हूँ दादू जी, आजकल संसार कितनी मुश्किल से चलता है। चलिए चलिए मुझे जल्दी से रसोई दिखा दीजिए, नहीं तो आपको स्कूल में देर हो जाएगी और आपको दफ्तर में। चलो 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 किस समय चलो चलो चलो। अरे पिंटू बाबू क्या खा रहे हैं आप? ये लीजिए आपके लिए एक देसी चॉकलेट। नहीं 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 मत दो उसे। नहीं नहीं छोटी माँ घबराइए मत, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें गुड़ है, बेसन है, सोल्ट है, कैस्टर ऑयल है, जो ताकत भी दे और पेट भी ठीक रखे। वाह फार्मूला तो अच्छा है। बड़े बाबू कल से मैं आपके लिए हर डे का एक अर्क बना दूंगा, देखिएगा 10 दिन के अंदर आपकी तंदुरुस्ती बदल जाएगी। कहते हैं यस्य क्रिये नास्ति माता तस्य माता हरितकी। अर्थात जिस घर में माँ न हो उस घर में हृदय रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कदाचित कुपिता माता न कुपिता हरितकी। अर्थात माँ कभी कभी गर्म हो सकती है लेकिन हृदय कभी नहीं। ये आयुर्वेद कहाँ से सीखा? सुविख्यात वैद्यराज चंद्रशेखर ठाकुर के यहाँ कुछ दिन उनकी सेवा की। इस बक्से में क्या है? इस बक्से में माँ अन्नपूर्णा का दान है। अन्नपूर्णा? जी हाँ, देखिए देखिए।
भी एक अजीब कहानी है बड़ी माँ छोटी माँ। काशी में एक दिन मैं भूखा प्यासा गंगा के किनारे सो रहा था। सपने में माँ अन्नपूर्णा आई, चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ में अन्न से भरी हुई करछी। माँ ने कहा, रघु ओ रघु उठ बेटा खा ले। मैंने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिया। अचानक मुझे उन लाखों लोगों की याद आई जो मेरी तरह भूखे थे। मैंने कहा, सबके खाने का इंतजाम करो तो ही खाऊंगा। माँ बोली, बेटा रघु दुनिया में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन जबकि आदमी आदमी का दुश्मन बनकर एक दूसरे की रोटी खा जाए तो मैं क्या करूं बेटा। करेक्ट। अरे तू चुप रह। फिर क्या हुआ? मैं फौरन उनके चरणों से लिपट गया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, पहले सबकी रोटी का इंतजाम करो। वो बोली, छोड़। मैं बोला, नहीं। उन्होंने कहा, रघु। मैंने कहा, माँ। अचानक उन्होंने हाथ की करछी मेरे सर पर दे मारी और मैं करछी पकड़ कर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैंने देखा माँ गायब और करछी मेरे हाथ में। बस उसके दूसरे दिन वो करछी गला कर मैंने ये बर्तन बनवा लिए। एक करछी से इतने बर्तन? अरे ये करछी आपकी या मेरी थोड़ी थी बड़े बाबू, वो तो माँ अन्नपूर्णा की थी। अच्छा चलिए रसोई में चल। यहाँ तो बहुत फिसलन है। हाँ, जमादार रहे ना, कितनी बार उसे कहा। अरे उसे कहने क्या जरूरत है, मैं साफ करता हूँ ना, अभी करता हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो। बड़ी माँ अपना काम तो सभी करते हैं, थोड़ा सा दूसरों का काम करके देखिए कितना सुख मिलता है। घर में नारियल का खोल है? हाँ, हाँ, अरे हाँ, हाँ, वाह। नाचे तो भी ना गिरे। बड़ी माँ छोटी माँ कृष्णा बहन चलिए मेरा रसोई घर से परिचय करा दीजिए। चलिए चलिए। मुझे तो पागल लगता है। भैया जिसको घर की सारी खबर है क्या उसको ये पता नहीं कि पिताजी के पलंग के नीचे जो बक्सा है उसमें लाखों के जेवर है? हाँ, पोशाक मिलिट्री की या अस्पताल के बॉय की, बात बात में संस्कृत और उपदेश, मुझे तो इस पे शक है भाई साहब। हाँ भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, नजर रखनी पड़ेगी इस पे काशी। बड़ी माँ खाना तो सब दफ्तर जाने से पहले खा कर जाते होंगे। हाँ। जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। हाँ बोलिए क्या पकाऊँ? पकाओगे क्या, घर में है ये क्या? वो कुछ कच्चे केले पड़े हैं और सूरन। कच्चे केले और सूरन? में हिंग है? हिंग? हाँ है। हाँ तो फिर फिक्र करने की क्या बात है, अरे हिंग डालकर इस सुरन का ऐसा कबाब बनाऊंगा। हिंग और सुरन? हाँ, और इस कच्चे केले का दम पोख। क्या दम पोख? हाँ, घर में मजा आ जाएगा आज। छोटी माँ एक काम करें, बजाय चाय को सबके पास ले जाने के सब चाय के पास नहीं आ सकते है? हाँ, आप ऐसा कीजिए ना, आप सबको नीचे बुला लीजिए, सब एक साथ बैठकर गरम गरम चाय पियेंगे और गरम गरम नरम नरम बातें करेंगे। जाइए ना, जाइए जाइए जाइए। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ छोटी, कहीं का पर तांत्रिक तो नहीं? ऐसे ही लगता है। माँ देखा नहीं भाजी कैसे काट रहा था? दादू जी चाय, कल से 5:30 बजे चाय लेकर आ जाए करूंगा। 5:30? वो तो जब मेरी वाइफ जिंदा थी तब मिला करती। नहीं नहीं दादू जी, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं,
चाय तो जल्दी मिलनी चाहिए। तुम पराए होकर समझते हो, लेकिन ये अपने नालायक जो हैं, ये कहाँ समझते? नहीं नहीं समझते क्यों नहीं, अभी अभी बड़ी माँ कह रही थी बेटा रघु बाबूजी को चाय जरा जल्दी दे दिया करो। बड़ी बहू ऐसा कह रही थी? जी हाँ। यकीन नहीं आता। खैर बड़ी बहू कहे चाहे न कहे, 5:30 बजे गर्म गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। मिलेगी दादी जी, मिलेगी कैसे नहीं, मैं तो आप लोगों की सेवा करने आया हूँ, लेकिन कल से पहले चाय नहीं, सरसों के तेल की मालिश, उसके बाद चाय। टन तरह जल्दी से दरी बिछा दीजिए, क्योंकि सब लोग यहाँ चाय पीने आ रहे हैं। यहाँ क्यों? देखिए इस वक्त चाय की पोजीशन मूसा की पोजीशन है, अर्थात जबकि मूसा पहाड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो पहाड़ को मूसा के पास आना पड़ता है, इसलिए जल्दी से दरी बिछा दीजिए, चाय का सजदा शुरू। चाय हाजिर। लाओ भाई लाओ। वाह चाय तो बड़ी मजेदार बनी है, कौन सी पत्ती लाई थी? वही जो रोज पीते हो। सच कहूं भाई मुझे तो पहली बार पता चला कि चाय में खुशबू भी होती है। जी हाँ, जैसे कि रोज आपको कवाई मिलता रहा है। अरे भाई मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूँ, मैं तो रघु से पहले जो रसोईया था उसे कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे हाथों की चाय हाय हाय पी होती तो कयामत होती। रघु भाई तुम्हारा चाय का तो जवाब नहीं। भैया जरा थाम के। क्यों? अभी कह देगा लिप्टन कंपनी में मिस्टर ब्रुक बॉन्ड के यहाँ काम करता था। सच्ची बात तो यही है बाबू भैया, चाहे तो मिसेस डेंजोंग पॉ रेशन भवन टी सेंटर चर्चगेट बॉम्बे नंबर 1 से मिलकर या खत लिखकर पूछ लीजिएगा कि चाय बनानी मैंने उन्हीं से सीखी है, दार्जिलिंग की है। कौन, चाय या मिसेस डेंजोंग पॉ? दोनों। कृष्णा बहन बड़ी माँ छोटी माँ को चाय दीजिए। नहीं हम बाद में पिएंगे। बाद में क्यों माजी, अभी क्यों नहीं सबके साथ? कितना अच्छा लगता है कि सब घर वाले एक साथ बैठे, एक साथ खाए, एक साथ पिए, एक साथ बातें करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना माजी, ऐसा लगता है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन देखा जाए तो कितने माने रखती हैं। ऐसे लगता है सब मिलकर एक ही जिंदगी जी रहे हैं। रघु तुम तो पिछले जन्म में बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी रहे होगे। पिछले जन्म में क्यों भैया, क्या इस जन्म में बहुत बुद्धू लगता हूँ? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे और एक कप चाय पिला दो रघु। नहीं नहीं और चाय नहीं मिलेगी, खाना खा के स्कूल जाना ना। चलिए चलिए सब लोग उठिए। बड़े भैया आप सबसे बड़े हैं, बाथरूम आप पहले जाइए। सुना सीखो। छोटी जल्दी से चाय पी ले, बर्तन साफ करने। माँ जी आप क्यों बर्तन साफ करेंगी, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं वो तुम क्यों करोगे, वो तुम्हारा काम नहीं। माँ जी अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता वो आप नहीं जानती। मेरे काम की तो तनख्वाह मिल जाएगी, यहाँ काम किया वहाँ तनख्वाह मिल गई, लिया दिया बराबर। लेकिन माँ जी पुण्य की कमाई वो है जो दूसरों को सुख दे के मिले, उसका कोई मोल नहीं। माँ जी अगर आप मुझे डबल तनख्वाह भी देंगे ना तो मैं वो पुण्य बेचने वाला नहीं हूँ। हाँ भैया को जरा मटन के कबाब और दीजिए ना, मैं दादू जी के खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतनी से देर में बाजार कब गया और ये मटन कब लाया? मटन कहाँ है, ये तो सूरन के कबाब बनाए हैं। ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को सूरन और मटन में फर्क नहीं मालूम होता? अरे भाई खाना बनाना भी एक आर्ट है, बनाने वाला सूरन को मटन बना सकता है और मटन को सूरन है। कौन है? कौन? हम दोनों। दोनों कौन? मैं और ओवल्टीन। ठहरो
नमस्ते, आपके ओल्टी। तुम कौन हो? मैं आपके घर का बावर्ची हूँ मीता दीदी। मेरा नाम किसने बताया? वो सर्टिफिकेट पे लिखा। ओह, आप घर तक नाच दिया ना। तुम्हें किसने बताया? तस्वीर बता रही। तुम बावर्ची हो या जासूस? मैं बावर्ची हूँ दीदी। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, गुरु जी आते होंगे। आदाब सर गुरु जी। नमस्कार। चाय नोश फरमाएंगे? अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही। अले उल सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है। हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नित्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्त की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्त मश्क क्या होता है? रक्त माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहने, जैसे कि हम और आप। क्या बहने हैं? नहीं, हम दोनों तो भाई हैं। जैसे कि दो भाई मिलजुल के रह सकते हैं, तो क्या बहने नहीं रह सकती? मिलजुल कर रहने में ही तो वतन की तरक्की अर्थात देश की उन्नति, यही कहते हैं ना हिंदी में। जी हाँ, जरूर, यकीनन, अवश्य। तो मैं आज्ञा जरूर। दीदी आती होगी। फिशरमैन ओवल्टीन। ओवल्टीन मेरे लिए? क्यों नहीं, जब मीता दीदी पी सकती है तो तुम क्यों नहीं? मीता दीदी को तो जरूरत है, कितनी मेहनत करती है बेचारी। अरे तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। आग लगाना पड़ता है, एक घंटे से ये सवाल लेके बैठी हूँ। सवाल? देखो तो रघु भैया। हाँ? ये अलजेब्रा है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा देखने तो दो। हाँ, वाह। अब बोथ साइड a माइनस बी से डिवाइड करो। ओहो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इनटू a माइनस बी, डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, बस सिंपल। रघु भैया, अलजेब्रा कहाँ से सीखा तुमने? एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के यहाँ काम करता था। नहीं, पागल था वो, मेरे पीछे पड़ा रहता था। कहता था, बेटा रघु, जो प्योर मैथमेटिक्स में मजा आया वो किसी और चीज में नहीं है, चलो बैठो सीखो। क्या करते, नौकरी का सवाल था, सीखना पड़ा। चलो आज कुछ तो काम आया। कृष्णा बहन, किसी से कहना मत, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अच्छा।